इशू ऑफ डिवेंचर्स वर्सेस इशू ऑफ शेयर्स, ये दो चीजें देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स वर्सेस इशू ऑफ शेयर्स। जो इशू ऑफ डिवेंचर्स है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स आर इशूड टू रेज द लोन फॉर अ कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए जब हम लोग लोन इकट्ठा करते हैं पब्लिक से, तो देन इट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू डिवेंचर्स आर इशू टू रेज द लोन फॉर अ कंपनी फ्रॉम पब्लिक। ये पब्लिक से लोन रेज किया जाता है। यार लोन का अक्सर कॉन्सेप्ट होता है बैंक जाइए लोन ले लीजिए, लेकिन कई बार कंपनीज को इतना बड़ा अमाउंट ऑफ लोन चाहिए होता है कि इतना लोन कई बार बैंक से लेना बहुत मुश्किल होता है। या दूसरी बात समझिएगा कि जब बैंक लोन देगा तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करवाएगा, बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन रखेगा, लेकिन इससे आसान कंपनी को लगता है कि क्यों ना पब्लिक से डायरेक्ट लोन लिया जाए। जब हम शेयर्स इशू करके कैपिटल जुटा सकते हैं पब्लिक से, तो क्या लोन नहीं ले सकते? ले सकते हैं, उसके लिए डिवेंचर इशू किए जाते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर इशू टू रेज द कैपिटल फॉर अ कंपनी। ये मेरे बेटा एक कंपनी के लिए कैपिटल जुटाते हैं। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, बहुत जो बड़ा फर्क है वो है। इसका मतलब डिवेंचर जो होते हैं मेरे बेटा, याद रखना, हमारे पास जो है शेयर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, वो इरिडीमेबल होते हैं। मतलब जो इक्विटी शेयर्स होंगे, एक बार इशू हो गए तो हमेशा के लिए इशू हो सकते हैं। हाँ, उनका बायबैक जरूर हो सकता है। यानी कि जो डिवेंचर्स होते हैं वो हमेशा रिडीमेबल होते हैं इन इंडिया। ध्यान रखना बेटे, नोट नंबर 1 ध्यान रखना, इन इंडिया ओनली रिडीमेबल डिवेंचर्स आर इशूड। इंडिया में एक बार आप डिवेंचर इशू करोगे तो उनको वापस जरूर करना होगा बेटे। और जब डिवेंचर्स आज इशू करे और फिर उनका रिडेम्पशन करना है, तो दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल, यानी उनका वापसी जरूर होगा। यानी लोन लिया तो एक ना एक दिन वापस भी करना है। तो आज अगर आप लोन लेते हैं तो एक ना एक दिन उसे वापस भी करना है। और जब इस कॉन्सेप्ट पे आप करते हैं, तो इन इंडिया ओनली रिडीमेबल डिवेंचर्स आर इशू। फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है आपको रिडीमेबल भी डिवेंचर्स मिले, बट इंडिया में अभी तक, मतलब कि कंपनीज एक्ट जो हमारा 2013 है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम लोग रिडीमेबल डिवेंचर्स, मतलब कि जो है हम लोग रिडीमेबल इरिडीमेबल डिवेंचर्स इशू करें। इरिडीमेबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशू, दैट इज, इसी को दूसरे शब्दों में लिखें, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इरिडीमेबल मेबल इरिडीमेबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड। लेकिन पॉइंट नंबर दो कहता है कि इक्विटी शेयर्स इशूड आर इक्विटी शेयर्स इशूड कैन नॉट बी रिडीम, दैट इज ओनली इरिडीमेबल इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन इंडिया।
तीसरा, बट प्रेफरेंशियस कैन बी रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल. प्रेफरेंशियस कैन बी रिडीमेबल एज वेल एज इरिडीमेबल. अब सवाल उठता है कि अगर हमारे ज्यादा, मतलब हमें लगा कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया, ज्यादा हमारे पास शेयर कैपिटल हो गई, बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है जो कि जरूरत से ज्यादा, बेटे इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर इस प्रॉब्लम को बायबैक ऑफ शेयर से दूर किया जाता है. इन इंडिया इक्विटी शेयर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बाय बैक एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है. तो बाय बैक ऑफ शेयर्स पॉसिबल है इंडिया के अंदर. तो कभी भी अगर कंपनी को लगता है तो उनका रिडम्पशन नहीं होता बल्कि उनका बाय बैक होता है. उसमें कंपनी ऑफर देती है कि हम जो शेयर्स हैं आपके, हम इतने में खरीदने के लिए तैयार है. तो जो भी लोग वहां पर अप्लाई करते हैं कि हमें बेचने और जितने कंपनी को मतलब कि बाय बैक करना, हालांकि इसके रूल होते हैं, जैसे 25% तक ही बाय बैक हो सकता है एक साल के अंदर. तो ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो बाय बैक के थ्रू हम लोग अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो अगर क्वेश्चन आगे मान लो 1 मार्क का कि इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं हो सकता, बट इफ देयर इज प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन देन हाउ टू डील दिस सिचुएशन, हाउ टू रिड्यूस कैपिटल ऑफ कंपनी, देन इट इज पॉसिबल ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ बाय बैक.